वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, दिस इज पल्लवी, आई एम योर असिस्टेंट टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सोइल, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7 इन योर असिस्टेंट बुक. फ्रेंड्स, वी नो दैट ऑल द लैंड फॉर्म्स दैट वी सी अराउंड अस ए पार्ट ऑफ सरफेस कॉल्ड ए क्रस्ट. सो सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ सोइल, types of soil and soil erosion. So let's start. Soil is the top covering of the surface of the earth. Soil जो होती है वो surface की सबसे ऊपर वाली जो layer होती है, upper layer होती है, उसको बोलते हैं soil. It has been formed, और ये बनती कैसे है, by the denudation of rocks. जब पत्थर चट्टानें आपस में टकराते हैं तो soil बनती है. The importance of soil lies in its fertility. Soil की importance को हम कैसे measure करते हैं, उसकी fertility के according. The soil is the most important resources. Soil बहुत ही important resources है, natural resources है, among the precious gift of nature. जो कि nature से हमको मिला है, nature से हमको जितने भी resources मिले हैं, natural resources मिले हैं, उसमें जो soil है वो बहुत ही important है. Soil is the basic resource as it helps to grow a variety of crops. Soil आपका basic resource है जो कि आपको variety crops की different variety को grow करने में help करता है. In India, known for the diversity of relief features and climate. जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में जगह जगह different types की climate हैं, conditions हैं, फीचर्स हैं, तो सो इट हैज़ ए वेरी वेराइटी ऑफ सॉइल. जैसे जैसे डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग सॉइल भी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सॉइल्स पाई जाती हैं. फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल. फॉर एग्जाम्पल एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक लावा सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल. सो फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल. Alluvial soil consists of fine silt transported by rivers from the mountains and deposited in plains. Students, alluvial soil कहाँ से आती है? जो rivers होती है, mountains से जो rivers आती हैं, वो अपने साथ fine silt guard type होता है, उसको बहा कर ले आती हैं, और जो plain area होता है, जहाँ पे river बहती हैं, lands होते हैं, वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर देती है. इट इज़ वेरी फर्टाइल सॉइल, ये बहुत ही फर्टाइल होती है, एंड इट इज़ फाउंड इन द पार्ट ऑफ राजस्थान. फ्रेंड, लुक एट द मैप, ग्रीनिश एरिया शेडेड आपको दिखाई दे रहा है. इन दिस एरिया एलुवियल सॉइल आर फाउंड. राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रीजन. डेक्कन प्लेट्यू के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट हैं, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड दिस इज अ ईस्टर्न घाट. सो इस पार्ट्स में भी पाए जाते हैं. द मेन क्रॉप्स ऑफ ग्रोन इन सॉइल आर, और इस क्रॉप्स की जो, इस सॉइल की जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, जूट एंड. Now come to next type of soil, that is black lava soil. Black lava soil is found in region made up of volcanic rocks. Black lava soil कहाँ पाई जाती है? उस type के area में पाई जाती है जहाँ पर volcanic rocks से मिलकर land बनते हैं वहाँ. It is composed of dark brown or black clay material. और ये सॉइल किस किस से मिलकर बनती है? दिस सॉइल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए डार्क ब्राउन एंड ब्लैक क्ले मटेरियल. इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग पीरियड. इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक मॉइस्चर होता है, बट ड्यूरिंग ए ड्राई सीजन, लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता है, द सॉइल इज सीम्ड विद ब्रॉड एंड डीप क्रैक. क्योंकि गर्मियों का टाइम होता है तो पानी नहीं हो पाता सॉइल में, डीप क्रैक हो जाता है, सूखा पड़ जाता है. एंड दिस इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश. इन दिस एरिया ब्लैक सॉइल आर फाउंड. द सॉइल इज़ यूज्ड जनरली फॉर ग्रोइंग कॉटन.
एंड ब्लैक लावा सॉइल इज बेसिकली यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन, यानी ब्लैक लावा सॉइल जो होती है वो मोस्टली कॉटन को ग्रो करने के लिए यूज की जाती है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज रेड सॉइल. रेड सॉइल इज रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन रॉक्स. रेड सॉइल रेड कलर की होती है क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटी में आयरन ऑक्साइड होता है. इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक, जो कि जनरली क्रिस्टलाइन रॉक से मिलके बनती है. दिस सॉइल डिफर्स ग्रेटली इन कलर. ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कलर की मिलेगी, डेप्थ के अकॉर्डिंग एंड फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग. यानी हर जगह हर फर्टिलिटी एक जैसी नहीं होती. इट इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश. ये मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, कर्नाटका, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इन दीज प्लेसेस आर रेड सॉइल फाउंड. द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल आर, और यहाँ की इस सॉइल की जो मेन क्रॉप्स हैं वो आपकी तंबाकू, कॉटन, मेजे, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स. नेक्स्ट वन इज डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल कंटेन्स ए हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूबल सॉइल. डेजर्ट सॉइल में क्या होता है स्टूडेंट्स, हाई परसेंटेज होता है सॉल्यूबल सॉल्ट का. इट इज़ फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है. द सॉइल इज डेफिशियंट इन ह्यूमस एंड नाइट्रोजन, और इस टाइप के सॉइल में ह्यूमस और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है. नाउ स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्लांटेशन. ओकेजनली इफ फ्यू श्रब्स और प्लांट्स with thick fleshy stems and stunted trees like babool, orca, cactus and prickly pear grow here. Mainly क्या होता है स्टूडेंट्स, में यहाँ पे कुछ shrubs और plant ऐसे पाए जाते हैं जिनकी जो stems होती है बहुत ही thick होती हैं, और stunted trees जैसे कि babool है आपका, car cactus है, prickly है, इस type के plants grow होते हैं. Most shrubs have long roots, और mostly जो श्रब्स की जो रूट्स होती है वो लॉन्ग होती हैं, और कुछ आपको श्रब्स प्लांट ऐसे भी मिल जाएंगे जिनकी लीव्स, देयर आर नो लीव्स इन सम प्लांट्स विच इज़ फाउंड इन दैट प्लेस. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज लेटेराइट. लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन. लेटेराइट सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है, मिलती है. इट हैज़ ए लिटिल पावर टू रिटेन मॉइस्चर. इसमें बहुत ही कम पावर होती है मॉइस्चर को रिटेन करने की, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की. इट इज़ रेडिश ब्राउन और येलोइश विद स्टेन्स ऑफ रेड. ये होती कुछ कुछ रेडिश ब्राउन कलर की और येलोइश कलर की होती है. लेटेराइट सॉइल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल. लेटेराइट सॉइल जो है वो किस टाइप के रीजन एरिया में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. नेक्स्ट है माउंटेन सॉइल. माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिमालय रीजन. माउंटेन सॉइल जो है वो हिमालय के रीजन में पाई जाती है. इट इज़ सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, और ये प्लांटेशंस की क्रॉप की कल्टिवेशन के लिए बहुत ही सुटेबल होती है, बहुत ही परफेक्ट होती है. नाउ लास्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन. सॉइल इज टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सरफेस एरिया. जैसे कि आपको पता है सरफेस की सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं. इट इज़ मोर फर्टाइल देन अदर लेयर, और ये अदर लेयर के कंपेरिजन में बहुत फर्टाइल होती है. सॉइल इज़ कैरीड अवे बाय. सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दीज आर द फैक्टर विच आर हेल्पिंग इन सॉइल्स टू टेक वन प्लेस टू अनदर प्लेस. रेन, वाटर, स्ट्रॉन्ग विंड, यानी ये फैक्टर्स हैं जो सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं. द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, और जब किसी भी ज़मीन की ऊपर वाली फर्स्ट लेयर जो होती है सॉइल जिसे कहते हैं वो हट जाती है तो उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं. सॉइल इरोजन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल इरोजन से क्या होता है,
जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, क्योंकि फर्टिलिटी पावर जो होती है वो सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर में ही होती है, और जब वही हट जाती है तो उसकी फर्टिलिटी पावर में कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है। बाय प्लांटिंग प्लांट्स एंड ट्रीज सॉइल इरोजन कैन बी रिड्यूस्ड। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, ट्रीज लगाएं, तो वी कैन रिड्यूस्ड सॉइल इरोजन। हाउ वी कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन? बाय प्लांटिंग ट्रीज, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाइंड द रूट्स टुगेदर। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लांट की ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को आपस में बांधे रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी यूज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ सॉइल। सॉइल क्या होती है आपको बताना है, सॉइल की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल बनती कैसे है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय डेनुडेशन ऑफ रॉक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रॉक्स के, पत्थरों के, पहाड़ों के, चट्टानों के टूटने से बनती है। नेक्स्ट इज, इन विच रीजन डू वी फाउंड द एलुवियल सॉइल नेम द मेन क्रॉप्स। एलुवियल सॉइल जो होती है वो किस टाइप की रीजन में पाई जाती है, और यहाँ की मेन क्रॉप्स क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। द एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट ऑफ डेक्कन प्लेटू रीजन। एंड द मेन क्रॉप्स ऑफ एलुवियल सॉइल इज व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड जूट। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रेड सॉइल। रेड सॉइल किससे मिलके बनती है। सो रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू, रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स कंटेनिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज, व्हाट इज ए सॉइल इरोजन, हाउ कैन बी रिड्यूस। सॉइल इरोजन क्या होता है और हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सी, द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, यानी ग्राउंड की सरफेस का हट जाना ही सॉइल इरोजन होता है। एंड इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्लांटिंग प्लांट्स, और हम प्लांट्स को लगा के, ट्रीज को लगा के इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू फिल अप, दैट इज, सॉइल इज द डैश ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल जो है वो अर्थ की सरफेस की कौन सी लेयर है, दैट इज टॉप कवरिंग। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ डैश ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स फ्रॉम माउंटेन। जो एलुवियल सॉइल होती है वो फाइन सिल्ट को लेके आती है, रिवर्स माउंटेन से लेके आती है रिवर्स के थ्रू। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द रीजन मेड अप ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कैसे मिलके बनती है, या फिर कैसे बनती है, दैट इज वॉल्केनिक रॉक्स। रेड सॉइल इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक्स। रेड सॉइल कैसे बनती है, क्रिस्टलाइन रॉक से। वी शुड प्लांट ट्री टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और हम कैसे प्लांट ट्रीज को प्रिवेंट कर सक, किस चीज़ को हम प्लांट ट्री से लगा के प्रिवेंट कर सकते हैं, डेट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इज प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। सॉइल एक बहुत ही प्रीसियस और इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है नेचर का, जो कि हमें मिला है, डेट इज ट्रू। वीट इज ग्रोन इन माउंटेन सॉइल, डेट इज फॉल्स। वीट जो है वो माउंटेन सॉइल में नहीं होती, वो किस में होती है, आपके एलुवियल सॉइल में होती है। ब्लैक लावा सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा सॉइल, वेरी राइट, दिस इज राइट। लैटेराइट सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। नो स्टूडेंट, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ब्लैक सॉइल इज गुड इन ब्लैक लावा सॉइल। फर्टिलाइजर्स रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर ऑफ सॉइल इन विच आई हैव एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉइल, मीनिंग ऑफ सॉइल। सो आई होप यू लाइक इट, यू अंडरस्टैंड इट। So please subscribe and like my YouTube to get more videos. Thank you.